हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ललित कुमार गंगेले है। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन होम्योपैथी में BHML जो था वो मैंने भोपाल के ही RKDF होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन करा सन 2007 में। और जब मुझे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया था, मैं तभी से मतलब 2007 से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ। और ये 20 फरवरी आएगा कुछ महीनों के बाद, मेरे 15 साल प्रैक्टिस के पूरे हो रहे हैं। तो यही 15 साल में जो 15वीं वर्षगांठ है मेरे क्लिनिक की, जो मेरा संस्थान है, मेरा इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है अक्षरस होम्योपैथिक क्लिनिक। ये नाम मेरी माताजी ने सजेस्ट करा था मेरे फर्म के लिए, और काफ़ी अच्छा नाम, काफ़ी यूनिक नाम है। तो इस फर्म की 15वीं वर्षगांठ पे मेरे मन में ये चीज़ आई कि मैं एक अपना YouTube चैनल खोलूं, और उस YouTube चैनल के माध्यम से मैं जो मेरा 15 साल का जो कुछ भी मेरा छोटा बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। इस चैनल को खोलने का जो मुख्य उद्देश्य था कि अगर आपके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान आपके सिर्फ मरीजों के काम नहीं आना चाहिए। वो इस फील्ड के अंदर जो काम करना चाहते हैं दिल से, जो नए बच्चे हैं जो फाइनल ईयर पास करके होम्योपैथी की फील्ड में आते हैं, वो कई प्रैक्टिशनर्स हैं जो अभी कुछ समय पहले इस फील्ड में आ चुके हैं पर उनको कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं, वो भटके हुए स्टूडेंट्स या फिर डॉक्टर्स बोल लो जो इस फील्ड के अंदर आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी किसी हॉस्पिटल के अंदर एज अ ड्यूटी डॉक्टर काम कर रहे हैं, और इस बात को देख के हमको वाकई में बहुत ही ज़्यादा चिंता और दुख होता है। तो ये मैं चैनल उन सभी की मदद के लिए खोल रहा हूँ। हाँ, जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं वो पूरा का पूरा नॉलेज इस चैनल पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने बारे में कुछ बातें बता दूँ कि मैं बेसिकली मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के माध्यम से प्रैक्टिस करना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। मैं वही मेरा हर होम्योपैथ का एक अपना ट्रेंड होता है, हर एक होम्योपैथ अपना अलग सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। वैसे देखा जाए तो मूलभूत रूप से सिद्धांत तो एक ही होता है, पर हर एक होम्योपैथ अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में होम्योपैथी के काम करता है। कई जो है मेंटल पे काम करते हैं, कई कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं, कई एंटी माइजमेटिक थ्योरीज को लेके काम करते हैं, कई पैथोलॉजी पैथोजीनेसिस पे काम करते हैं। मैं जो हूँ, मैं बेसिकली इस फील्ड में जो है मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वालों में से हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा दवाएँ हैं, मतलब क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरा क्लिनिक है, ये मेरे पीछे जो है ये मेरी फार्मेसी है। आप देख सकते हैं दवाओं की संख्या। अब क्योंकि जो मैं बिलोंग करता हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस को, तो इस क्लिनिकल प्रैक्टिस को बिलोंग करने की वजह से हम लोगों के पास बेसिकली जो दवाओं की जो संख्या होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रैक्टिशनर। और ये इंटरेस्टिंग भी होता है काफ़ी, क्योंकि आपको जो अपना दिमाग के डाटाबेस में ज़्यादा डाटा रखना पड़ता है। होने को तो प्रैक्टिस जो है वो 50 या 70 पॉलीग्रस पे भी आप कर सकते हैं, बट अब हमको जैसा सिखाया गया, जो अब यहाँ पे जो है, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर हैनीमैन साहब का अभिनंदन करना चाहूँगा कि साहब उनने इतनी रॉकेट साइंस पैथी को उस ज़माने में डिस्कवर करा जब मेडिकल सिनोरियोज जो थे वो बहुत ही ख़राब हुआ करते थे इस पूरी दुनिया के अंदर। बड़ी अजीब अजीब सी प्रैक्टिसेस चला करती थी कि किसी का हाथ जल जाता था उसके ऊपर टार डाल देते थे। फंडा ये होता था कि भाई ज़्यादा पेन होगा तो जो कम नेचुरल पेन है वो आर्टिफिशियल पेन को दबा देगा। तो इस तरह से जब उनने इसकी उत्पत्ति करी तो आज हम ही लोगों को अपने को स्टैंड अप करने में जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, पर मैं कहूँगा कि अगर कोई अपने आप को दूसरी फील्ड से मॉडिफाई करके, मतलब जैसे कि या तो वो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं या फिर वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी सवर में बैठ के, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट ट्रांसफर्ड इनटू द होम्योपैथ। उसका कारण है,
कि लोग अभी क्या है एलोपैथ की एलोपैथी देखिए एलोपैथी भी जरूरी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है किसी का तो आप होम्योपैथ को याद नहीं करोगे, आप इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वालों को याद करोगे, आप PCU ICU के एक्सपर्ट्स को याद करोगे, आप सर्जन को याद करोगे। तो जितनी भी पैथी हैं इस दुनिया के अंदर हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, जितने भी प्रैक्टिशनर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। एलोपैथी का यूटिलिटी अपनी जगह अलग है, होम्योपैथी का यूटिलिटी जैसे कि हम देखते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसका हार्ट अटैक का उपचार तो इंस्टेंटेनियसली बाईपास के द्वारा एंजियोप्लास्टी के द्वारा या मेडिसिन के द्वारा हॉस्पिटल ने कर दिया, ठीक है, वो अटैक में चले गए थे उनको उनने रिसिसिटेट कर लिया, उनने उनको CPR दे के डिफिब्रिलेट करके उनको कुछ एंटीकोएगुलेंट्स इंट्रावेनस दवाएं दे के उनका जो ब्लॉकेज को टेम्परेली स्टेबल करके उनको उनने रेस्क्यू कर लिया। यह काम हम नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद हमारा नंबर आता है कि अगर वो व्यक्ति बाहर आ जाता है और अगर वो चाहता है कि वो आगे उसका जो हार्ट डिजीज स्टेबल हो तो उसमें होम्योपैथी बिल्कुल बखूबी काम कर सकती है, इस बात में कोई दो मत नहीं है, क्योंकि कार्डियक सेक्टर में, कार्डियक फील्ड में और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस पे मैं विगत कई सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे जो है बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो इस चैनल पे मैं बेसिकली होम्योपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथिक मोडस ऑपरेंडाई, मटेरिया मेडिका से लेके होम्योपैथिक फिलॉसफी से लेके क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि आजकल होम्योपैथी में हार्ड कोर क्लिनिकल बुक्स आ गई हैं जो सीधे सीधे पेशेंट की डिजीज के ऊपर आपको मेडिसिन दिखाएंगे। मतलब यह होम्योपैथी की जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसकी जो एबिलिटी टू कवर द डिफरेंट डिजीजेस हैं, वो पिछले कई सालों में काफी विस्तृत हो गई है। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कई लाइव, जब मेरे थोड़े बहुत, अभी देखिए मेरा पहला ब्लॉग है, मैं एडिटिंग नहीं जानता, अभी मैं अपने मोबाइल फोन से शूट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं पिछले दो दिन से पिछले वाले वीडियो को मैं रेंडर करने की और उसको एडिट करने की कोशिश करूंगा कर रहा था, पर वो मेरे से हो नहीं पाया है। तो मैं अभी शुरू शुरू में, जब तक मुझे ये चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, जब तक मेरे को टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ यूट्यूब और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फोटो वीडियो शूटिंग एंड वीडियो एडिटिंग में नहीं जानता, तब तक आपको मुझे इसी रूप में झेलना पड़ेगा, इसी ऑडियो क्वालिटी के साथ झेलना पड़ेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर में साउंड होने की। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ हट के आपको मिलेगा, बिल्कुल हट के नॉलेज मिलेगा इसके अंदर, मैं डिजीज वाइज भी आप लोगों को एस्पेक्ट क्लियर करने का कोशिश करूँगा कि केस टेकिंग को कैसे प्रोसीड करना है, जब केस आता है तो आपका इनिशिएटिव क्या होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मैं केसेस के एग्जाम्पल का कोई मेरे पास वीडियो तो है नहीं, है ना, ऐसा मेरे पास कोई वीडियो नहीं है जिसे वीडियो के थ्रू मैं आपको एग्जांपल दे सकूं, पर हाँ मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आपसे शेयर कर सकता हूं कि इसके अंदर आपको इनिशिएटिव कैसे लेना है। तो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपके जो भी सवाल हो वो आप इस चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स जो है वीडियो के नीचे, आप वहां पे स्पेसिफिक वीडियो से संबंधित सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरा प्रॉम्प्टली उसके ऊपर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा और मैं उसका जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। तो सभी को नमस्कार, और ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरा एक ब्लॉग का इंट्रोडक्टिव वीडियो था जिससे मैं आपको अपने बारे में कुछ बता सकूँ, अपने काम के बारे में कुछ बता सकूँ। तो थैंक यू एंड गुड लक टू यू ऑल।